एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने लगा तो पापा उन्हें अस्पताल ले गए। गट्टू चिंकी के रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोले, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है, इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। पापा ने डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर बोले, बेटा फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर करता है, उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है, केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है। फास्ट फूड के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बस घर का बना हुआ खाना ही खाना। पेट के दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद तो किया, पर उनके मुंह का जैसे स्वाद ही चला गया था। घर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। तभी गांव से दादी का आगमन हुआ। मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई और वो रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। दादी किचन में आलू के पराठे बनाने लगी। पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। लगता है किचन में कुछ स्पेशल पक रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी किचन में भागे तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ परोसे। गट्टू चिंकी पराठे खाने लगे तो उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। वाह दादी, ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, और पिज्जा बर्गर से कई गुना हेल्दी भी। ये तो बस आलू के पराठे हैं, ऐसे और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं बना सकती हूँ। तो क्या रोज आप हमें नए नए पराठे बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ, रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा कर जाऊंगी।